खोल रहा हूँ, सबर तो कर लो भाई, थोड़ा तो सबर कर लिया करो, तुम तो सबर नहीं होता है यार। इसकी पहले तो रस्सी खोलूँ मैं, और आई बहुत सकते है यार, पहले इसकी रस्सी खोल लूँ। चले भाई बाहर, है खा लिया यार, इसकी रस्सी खोल ली, चलो आ जाओ। तो यार आ गए हम प्लेकू को आज फाइनली बाहर लेकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी टाइम हो गया था ब्लैकू को जो है ना हम बाहर ही नहीं ला पा रहे थे यार, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई ऐसे रोडों पे पानी भर गया था, इस वजह से मैं ला नहीं पा रहा था। और एक दिन से मौसम भी ना बहुत ख़तरनाक चल रहा था। बाकी आज जो है मौसम यार आज भी वैसा ही है, सेम बादल छाए हुए और थोड़ी बहुत धूप निकली थी। मैं सोचा था जल्दी लेकर आ जाऊँ इसे बाहर, ताकि धूप दिखा दूँ तो थोड़ा बहुत यार ये सूख भी जाए। पर भाई जब तक मैं बाहर आया, शदीद किस्म की जो है ना वापसी वैसा ही माहौल हो गया है। तो नहीं भाई फुरकान भी आ गया है, आ जाओ भाई आ जाओ। यार ब्लैकू को खोला हुआ है आज मैंने, यार मौसम सेट हुआ है ना इसी वजह से खोला, थोड़ा मौसम सेट हो गया है तो मैंने बोला इसको थोड़ा ठहलाएं मिलाएं, यार काफ़ी टाइम हो गया था इसको बाहर निकाले हुए। और इससे भी यार इनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, इन्हें घुमाते रहना चाहिए। देखो बागा इधर आओ, नहीं 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 वहाँ पानी है भाई, यार हमारी पूरी जगह पे ना पानी खड़ा हुआ था, इस वजह से हम इसको कब से नहीं निकाल पा रहे थे, ये जगह पूरा पानी खड़ा हुआ था। और ये ना पानी में जाता तो नहीं है, पर फिर भी यार अल्लाह ना करे फिर भी वैसे चले जाए तो बीमार हो सकता है। और ये देखें यहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है, और यहाँ किसी ने अपना मलबा डाल दिया है, पूरी जगह जो प्लाट है ना पूरा भिड़ा गड़क करके रख दिया है। हमारे एरिया के जो लोग हैं ना बहुत गंदे हैं यार, बहुत ख़राब कर दिया मलबा। हसन भाई हाँ, ये क्या हो रहा है इसके यहाँ पर दर्जन पे? अरे यार ये इसके खारिश हो गई थी, मैंने पूछा था डॉक्टर को जिससे वैक्सीन कराई थी, तो उसको दिखाया था, उसने बोला कि इस पे जनरेटर का ऑयल लगा दो, काला ऑयल नहीं आता, बोले थे काला ऑयल लगा दो इससे बड़ा फायदा होगा। मैंने लगा तो दिया है, आप बोल रहे थे कि दो दिन लगाना, फिर मुझे बता ये दो तीन जगह हो रहे हैं इसके। हाँ ना यार खराब हो रहा है, ये देखो यहाँ नहीं, ये भी हो रहा है, ये देखो हाँ दिख रहा है। यार किसी को अगर इस चीज का इलाज पता हो तो लाजमी दोस्तों कमेंट में बताएं, मैं काफी परेशान था इस चीज से और यही पूछना था, मुझे शुक्र है तुमने बता दिया, आज याद दिला दिया। यहाँ हो रहा है ये देखें, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो उसने बोला था जनरेटर का ऑयल काला लगाएं तो ये सेट हो जाएगा। खैर से अगर किसी को पता है तो लाजमी बताएं, ताकि मैं फिर इसको वही करूँ इलाज इसका। चलो 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 उतर जाओ, खुद आएगा ये देखना। ये देखें कितने प्यार से आता है माशाल्लाह यार। तो यार इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर हम चलते हैं सेटअप से। तो यार सेटअप पे आ चुके हैं हम, ब्लैकू को जो है यार वो हमने बांध दिया, और जो फुरकान को ना मैंने छत पे भेज दिया था। हाँ भाई तुमने क्या करा अभी तक काम? हैं कंडा अंदर है, नहीं निकाला यार तुम ना, अल्लाह की कसम यार यही कर रहे हो, ये हर मरतबा अंडा अंदर छोड़ देता है, वो तोड़ देते हैं हर मरतबा। कब पकड़ना सीखेगा अंडा, कब पकड़ना सीखोगे तुम यार? सिखा नहीं रहे तो अंडा पकड़ना सिखाऊं मैं? तुम अंडा देना शुरू कर दो, पकड़ो मतलब तुम्हारे लिए बेहतर है, ये अंडा निकालते हैं हम। तो यार कैसे निकालूं, ये मारता है मुझे, ये देखो काट रहा है। बस ना बस 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 बस, चलो यार बाहर जाओ, चलो चलो बाहर जाओ। तो भाई माशाल्लाह यार ये भी फर्टाइल है के भाई इनका माशाल्लाह से, तो यार इसको रखते हैं हम अभी इधर और जाते हुए ले जाएंगे अपने साथ नीचे। और इसके अब हमारे पास दोस्तों दो अंडे हो चुके हैं, एक नीचे रखा हुआ है जो के पानी में भीग गया था कल, और एक ये आ गया। क्या चाह रहे हो खाना? खाना भी देता हूँ यार, इन्हें खुले रहने दो, मैं ना पहले इन्हें डाल देता हूँ। यार दोस्तों खाना पीना तो यार मैंने सबको कर दिया, हमारे जितने परिंदे ना हमने सबको कर दिया है। फिर से यार मैं अब मैं बताता चलूँ तुम लोगों को कि हमारा जो मेन काम है दोस्तों आज वो ये था कि काफ़ी दिनों हो गए यार इनके अंडे रखे हुए सेटल नेट के नीचे, जो हमने रखे थे बफ के, काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन यार 10 दिन हो गए होंगे, है ना? 10 दिन हो गए दोस्तों। तो यार आज हम जो है मैंने सोचा कि क्यों ना आज इनकी यार एग हैंडलिंग की जाए, कि आया बच्चे बन भी रहे हैं या फिर अंडों में नहीं। तो यार चले आप मैं फुरकान हम लोग जो है आज इनके देखते हैं कि क्या खुशखबरी है आने वाली या फिर नहीं यार, क्योंकि हमारा पहले एक बच्चा तो यार है मर चुका है, जाया हो गया, मर चुका है वो, तो देखते हैं यार ये हमारे पास आता है या नहीं। तो यार मैं फ्लैश जला लूँ, कैसे क्या होगा यार इससे पता चल जाएगा, फ्लैश जला के देखेंगे ना कि अंदर कुछ बन रहा है या नहीं। अच्छा पहले तो यार मैं इनको खोलूँ और इनके नीचे से जो है वो निकालूँ अंडे, यार ये मार के बहुत अच्छा। इधर आ जाओ,
अच्छा 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 ओ थ्री भाई ये वाला अंडा चेक करते हैं यार दोस्तों कि क्या इसके अंदर बच्चा है या नहीं। ये देखो यार दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, उस तरफ से देख लो अगर आ रहा है तो चेक करें। तो यार ये देखें दोस्तों, यार ये अंडा मुझे जरा सा कोई भी अगर इसमें बनता हुआ दिख जाए यार मुझे तो यार शायद, मुझे भी नहीं आ रहा कम चांसेस। हाँ यार नहीं यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं यार, यार दोस्तों मुझे नहीं लग रहा इस अंडे का चांस तो बिल्कुल ही। अबे यार ये क्या सीन है यार, चलो फिर भी रख देते हैं यार, दो तीन दिन बाद फिर चेक कर सकते हैं हम। अभी रख देता हूँ इसको मैं, तुम रुको इधर ही, तुम बड़ा तालती हो यार। अब इस अंडे को हम चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई चांस है। और ये जो है दोस्तों हमारा कबूतर का अंडा है, तो आ जाओ भाई इसको देखते हैं। अबे हाँ सुने सुने में, हाँ ये यहाँ नीचे नीचे, नहीं यार ये तो होगा ऊपर, हिल तो होगा पूरा, नहीं कहाँ हिल रहा, खराब है अंडा, खराब है, खराब है यार इनका अंडा दोस्तों। ये वो देखो कैसे मांग रही है अपना बच्चे, वो देखो अंडे मांग रही है, देखो देखो ये देखो देख रहे हो, ये देखना ये देखना, क्या वो अंडे चाहिए ये देखना। ये चलो यार अंडे रख देता हूँ, देर ना हो जाए कहीं है, बाद में रखे नहीं भाई, ये बहुत खतरनाक है यार, मेरे बहुत गंदा काट रही है। चलो उठो, तो यार हमने इसके अंडे रख दिए वापसी, चलो चलो लेके बैठो, देखो अभी खुद ही बैठ जाएगी लेके, और ये बैठेगी है खुद। अच्छा भाई नहीं कर रहे, तंग नहीं कर रहे भाई, भाई बहुत गुस्से वाले हैं यार ये कबूतर हमारे, और वाली कबूतरी जिसके नीचे अंडा निकला था, ऐसे हैं बिल्कुल के अंडे निकालने ही नहीं देते ये। व्हाइट वाले बहुत अच्छे हैं, वो आराम से हमारे को हाथ रखने देते हैं। यार सेटअप जो है ना दोस्तों हमारा, उसके ऐसे काफी अंधेरा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया यार, क्या करें। खैर से कल जो है यार हम इसको सेट करते हैं, ये देखें ये भी काफी नीचे आ गया, तो कल इसको हम ना पूरा ये खींच के बांधते हैं। अब बहुत ज्यादा नीचे आ गया यार ये देखें, और बहुत अंधेरा हो रहा है, मैं बाहर से दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखें अभी तो ये रोशनी नजर आ रही है क्योंकि बाहर मैं खड़ा हूँ तो रोशनी की वजह से, बाकी अंधेरा अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या कर रहे हो ये? अबे भाई सुधर जाओ यार फुरकान, ये तुम्हें चलाने की चीज़ है, ये कशान की है छोटी सी, वो पता नहीं कब आई थी, ये देखें बच्चा बना हुआ बड़े हो गए। तो खैर से यार दोस्तों इसका हम करते हैं जल्द से जल्द यार टेंट को कल इंशाल्लाह ऊपर कर देंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। तो यार दोस्तों मुझे ना एक छोटी सी चीज़ तुम लोगों से पूछनी थी, हमारी जो ये मुर्गी है ये देखें, ये जा रही वाइट वाली, काफ़ी टाइम बाद तुम लोगों को देखी होगी यार, ये हमारे पास ही थी, ये देखें ये भाग रही, अरे इधर रुक जाओ कुछ नहीं कर रहे। तो यार इस मुर्गी का जो है आप लोग बताएं हम क्या करें यार, क्या हमें इस मुर्गी को सुल्तान के साथ रखना चाहिए या नहीं, तो छोड़ें उसके साथ या नहीं। बाकी मुर्गी को मैं एक और मत दिखा दूँ, ये देखें भाई, तो कमेंट में बताना लाजमी कि क्या हम इसको सुल्तान के साथ लगाएं या नहीं। तो ये मुझे बताओ यार, मैं थोड़ा सा ना इस मामले पे बहुत ज़्यादा ना सोच रहा हूँ, तो ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा, आप लोग बताओ यार। तो यार दोस्तों सबको यार खाना पिलाना करके फारिग कर दिया, और हम ना आज बारिश के आसरे में रह गए, मिला शायद बारिश हुई शायद बारिश हो, पर भाई आज बारिश नहीं हुई। तो खैर से यार मौसम जो है वो फिर से हाफ वाला हो गया, पता नहीं कब यार हवाएं चलें और बारिश हो, देखते हैं। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल गर्मेश जॉब को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना मज़े मज़े के ब्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, चलो भाई।